तो गाइस जैसा कि आज ईद का नमाज भी ख़त्म हो गया और आधा ईद गुजर भी चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं फैसल भाई के यहाँ। जब फैसल भाई दावत दिए हैं तो दावत कबूल किए हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर पीछे में वसीम साहब है और ये शहजाद पता नहीं, ये भी सिवान के नमूने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है आज ईद उल अदा है और आज हम लोग ईद का नमाज पढ़ने के लिए सुबह जा रहे हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं तो हम लोग अभी ईद का नमाज पढ़ने जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी यहाँ पे सऊदी में आज ईद है तो मेरी तरफ से मेरे दोस्तों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईद मुबारक। और जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए तो कल ईद है, आज जो लोग सऊदी में मेरे दोस्त हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और जो कल इंडिया में ईद मनाएंगे उन लोगों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइस चलिए हम लोग अभी तैयार होने वाले हैं और तैयार होकर हम लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाएंगे। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो गाइस निकलते हम लोग मस्जिद की तरफ और रास्ते में आपसे बातें होते रहेंगी और आपको दिखाएंगे साथ में कौन कौन जा रहे हैं हर भी लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए। गाइस बने रहे मेरी वीडियो में इसी तरह। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे भी सुबह हो रही है और लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो गाइस अभी नमाज हो गया और जा रहे अपने रूम की तरफ। तो गाइस जैसा कि आज ईद का नमाज भी ख़त्म हो गया और आधा ईद गुजर भी चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं फैसल भाई के यहाँ। जब फैसल भाई दावत दिए हैं तो दावत कबूल किए हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर पीछे में वसीम साहब है और ये शहजाद पता नहीं, ये भी सिवान के नमूने हैं।
तो गाइस जैसा कि बताया अभी हम जा रहे हैं फसल भाई के यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे खाने का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या बना है, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए गाइस देखते हैं, चलते हैं किचन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे परदेसी लोग कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं। और सजाद इस सजाद अजय जामिल जो खाना बनाया अभी, और देखिए यहाँ पे अभी सैलड कट रहा। और चलिए दिखाते हैं खाना बना के आज फैसल भाई की तरफ से स्पेशल दावत है यहाँ पे ईद की खुशी पे। तो गाइस ये देखिए, ओए होए माशाल्लाह, ये रहा राइस है मटन, और ये मटन बिल्कुल धनिया वाली फ्लेवर के साथ, और ये स्पेशल यहाँ पे भी है दो तरह का मटन बना है, और इसमें यहाँ पे देखिए दो तरह का राइस भी है। तो गाइस आज मज़ा आने वाला है खाकर। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, कोई इंडिया से, बांग्लादेश से, मतलब बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ से आते हैं, यहाँ पे सऊदी में रहते हैं और इस तरह से यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे इंडिया से भी बहुत लोग हैं, सिवान से हैं, बिहार से हैं, कलकत्ता से हैं, राजस्थान से हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं यहाँ पे, मतलब आके यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे ईद सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे खाने का भी कुछ अच्छा इंतज़ाम है, और हम खाएंगे फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे वीडियो में। तो गाइस एक बार फिर से मेरे तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि यहाँ पे आज सऊदी अरब में आज ईद था, तो आज इसलिए मैंने आप लोगों को विश किया, और जो लोग इंडिया में हैं, जो लोग सऊदी से दूसरी कंट्री में है, वहाँ पे ईद अभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो उन लोगों को मेरे तरफ से एडवांस ईद मुबारक और ढेर सारा प्यार, और अपने फैमिली के साथ अच्छे से ईद मनाएं, खुशी खुशी रहे और लोग मिलकर बने रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो खाना खाने के बाद मैं फिर इस वीडियो को एंड करूँगा। और जैसा कि आपने देखा कि परदेशियों का ईद किस तरह से होता है, तो गाइस मिलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा प्रिपरेशन रेडी हो गया खाने का, अब यहाँ पे खाने का इंतज़ाम। एहसान भाई कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी ये फैसल भाई है जो सिवान से है, इन्होंने हम लोगों को दावत किया था, हम लोग यहाँ पे भी आए हैं, और बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि गल्फ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को इनवाइट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई का। तो गाइस देखिए चलिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पे खाने को ख़त्म करने के बाद। तो गाइस जैसा कि देखा आपने खाना कंप्लीट हो चुका है, और खाना वाकई बहुत ही लाजवाब था, ऐसा खाना बहुत दिनों बाद खाया, बिल्कुल घर की तरह, जैसे घरों में ईद होती थी तो वहाँ पे इस तरह से खाना खाते थे, तो आज उसी का फीलिंग यहाँ पे आया। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया बनाने वाले का जो जामिल है, जब से छोड़ते उसने ये खाना बनाया अपने जिम्मेवारी से, और बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।